श्री गंगवार, जिला अध्यक्ष आशा संगठन बरेली, नवाबगंज विधायक डॉक्टर एम पी आर्य को दिया आज्ञापन। आपको बताते चले, बरेली नवाबगंज राम श्री गंगवार जिला अध्यक्ष आशा संगठन बरेली आज नवाबगंज में सभी आशा बहनों के साथ मिलकर सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज के अध्यक्ष और स्टाफ से मिली और उनसे आशाओं का तत्काल शोषण बंद करने के लिए कहा। इसके बाद नवाबगंज विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर एम पी आर्य जी के कार्यकाल जाकर पिछले 6 माह से आशा बहुओं का वेतन न मिलने के संबंध में बताया और जल्दी से जल्दी जिले के अधिकारियों को माननीय विधायक जी द्वारा तत्काल आशा बहनों को सभी बकाया भुगतान और पिछला वेतन भी दिलवाने के लिए आज्ञापन दिया। बहनों, मुझे पता है कि वेतन न मिलने से हमारी आशा बहनों का बहुत समस्या हो रही है। मैं रात और दिन लगकर मैं ब्लॉक ब्लॉक जाकर सभी जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से ये बात कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी आशा बहनों और आशा संगनी का भुगतान उनके खातों में आए। जबकि कुछ फर्जी आशा संगठन और उनकी नेता ये कह रही हैं कि अच्छा है आशाओं को पैसा ना मिले, जिससे आशाओं को बहकाकर उनसे अवैध चंदा वसूली की जाए और इसकी आड़ में अपनी नामबरी करी जाए। बहनों, मैं सबसे पहले एक आशा हूँ और आपने मुझे चुनकर आशा बहनों की जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं आपकी आवाज़ यहाँ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुँच जाऊँगी। मेरी बहनों को जल्दी से जल्द उनका सारा भुगतान किया जाए। मेरा नाम है रामश्री गंगवार, जिला अध्यक्ष आशा यूनियन जिला बरेली। हमारा भुगतान नहीं हुआ है 6 माह से और हमारे लिए जनवरी से 8 महीने का नहीं हुआ है भुगतान। और हम इनसे सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना कार्य का पैसा मांग रहे हैं। सरकार ने हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया है, ना हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है। सरकार हमसे सारा काम लेती है और ऐसा कोई कार्य नहीं जो सरकार हमसे कराती नहीं है आशाओं को आशा बनाकर। इसलिए सरकार ने हमें काम को दिया है तो हमारे दाम भी दे। और जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, इस पर आशा कहा जाता है कि आशा कार्य काम करें, आशा रजिस्टर में भी काम करें, डायरी भी में काम करें और अपने कागज पात्रा में भी काम करें। इसलिए हमारी आशा बहना मोबाइल लेंगी सरकार से और वो काम के नहीं है, वो काम बात करने के मोबाइल हैं और उसमें सिम भी डाल के दें और हमें ऊपर से हर माह बैलेंस आना चाहिए। इसलिए हम सरकार से इस वक्त बहुत गुस्साए में हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी आशा बहनों के डायरेक्ट खाते में पैसा आना चाहिए और जल्द से जल्द आना चाहिए, ना आंदोलन की तैयारी।